नमस्कार साथियों, आज 19 दिसंबर 2019 है। और आज जैसा आप जान ही रहे हैं कि जिन मुद्दों पर लिख रहा हूँ, आज संक्षिप्त में हल्के शब्दों में मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूँगा। एनआरसी और सीएबी का लगभग इस देश के लगभग सारे बुद्धिजीवियों ने बहुत ही तीव्र विरोध किया है, और इस तरह का विरोध आज तक हमें देखने को नहीं मिला है। और इसमें मैं मानता हूं कि इसमें बहुत सारे मानवीय पहलुओं को नज़रअंदाज किया गया है। जो बांग्लादेश और जो भारत का जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर में बांग्लादेशी और भारतीय ये दोनों कब इधर से उधर चले जाते हैं, उधर से इधर चले आते हैं, उनका पता नहीं चलता है। मतलब वो जो बाउंड्री है वो बहुत ही डाइल्यूट है, और वहाँ के जो लोग हैं, बांग्लादेशी या बॉर्डर पे लोग हैं, उन्हें मतलब जो भारत जो भौगोलिक सीमा है देश की, उनको लेके वो बहुत ज़्यादा रिजिड या नहीं है, उन्हें नहीं समझ में आता है। वो अपने अच्छी लाइफ के लिए या बहुत सारे मानवीय पहलू हो सकते हैं उसके लिए वो इधर से लोग उधर चले आते हैं, उधर से लोग इधर चले आते हैं। अब इसमें से जो बीजेपी सरकार ने जो ये बोला था कि कैप के थ्रू हम उन सारे हिंदू गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दे देंगे, बाकी मुसलमानों को नहीं देंगे, ये जब प्रैक्टिकली जब इसे इम्प्लीमेंट किया जाता तो बहुत ही अजीब लगता। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, और उसका हल था, उसे हल निकाला जा सकता था, उन चीज़ों का विपक्ष से बात किया जा सकता है, और बांग्लादेश के जो लोग यहाँ पे आएंगे और बांग्लादेश की आज स्थिति अच्छी है, उन्हें वापस भी भेजा जा सकता है, और बांग्लादेश की जो सरकार है वो अपने लोगों को वापस लेने के लिए वो रेडी भी हैं, और जिसको वापस वो नहीं ले रहे हैं उसे सारे शरणार्थियों को कुछ प्रोसेस किया जाए, उनका कुछ उनके उनके उनको उनको देखा जाए क्या इसे भारत में नागरिकता देने से भारत की सुरक्षा या संप्रभुता की कोई खतरा तो नहीं है, और शरणार्थियों के साथ और भी उनका किस तरह का चरित्र है, ये सारी चीज़ों पे डायलॉग हो सकती थी और होनी चाहिए थी। इसमें विपक्ष को जो है बीजेपी से बात करनी चाहिए थी, लेकिन इस पूरे विरोध में उन पाकिस्तान के उन हिंदू या गैर मुस्लिम जो धर्म के अनुयायी हैं उस पर इस पर कभी भी इन लोगों ने देखिए, इस पूरे विरोध में कहीं पे ये नहीं आती है कि उनको नागरिकता दे दिया जाए, उनको आप नागरिकता दे रहे हैं ये अच्छी बात है, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए और ये भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नैतिक जिम्मेवारी है, क्योंकि देश का बंटवारा जब हुआ तो उस पाकिस्तान के उस अल्पसंख्यकों की कोई गलती नहीं थी, और ये भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उसे आप भारत की नागरिकता दें, और भारत की नागरिकता आप नहीं देते हैं तो पाकिस्तान में जाके आप इंटरफेयर करें, तो उनको नागरिकता बिल्कुल मिलनी चाहिए। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अभी मैं कल देख रहा था एक गुलाम नबी आज़ाद जो राज्यसभा में कांग्रेस से हैं, उनके प्रश्नों का जवाब अमित शाह ने दिया है। मैं आप सारे लोगों से अनुरोध करूंगा कि उनके प्रश्नों का उत्तर जो अमित शाह ने दिया है, आप लोग उस राज्यसभा के उस उत्तर को आप लोग जरूर सुने। मैंने उस पोस्ट को शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि वो आईडी जो थी अमित डोभाल की थी, और शायद मैं अमित डोभाल की आईडी को शेयर करता तो उसका कुछ अलग संदेश जाता, इसलिए मैंने उसे शेयर नहीं किया। बट आप लोगों से अनुरोध करूंगा उस उत्तर को सुनिएगा। और भारत में ये पहली बार नागरिकता नहीं दी जा रही है, कई बार दी गई है नागरिकता, और आप उसे जरूर सुनिए। एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि ये जो इतना जो विरोध जो तीव्र होकर आया है, इसकी वजह क्या है? भारत सरकार जो है वो ट्रेन बेच रही है, सारे PSU बेच रही है, शिक्षा पे, हेल्थ पे, कभी भी इस तरह का विरोध रिवोल्ट नहीं हुआ। आखिर ये पहली बार इस तरह का रिवोल्ट क्यों हो रहा है और किन भौगोलिक क्षेत्रों में हो रहा है, इसके क्राउड का चरित्र क्या है, इसे कौन लोग लीड कर रहे हैं, और इसके समर्थन में जो बुद्धिजीवी हैं उनका क्या चरित्र है, इनकी विवेचना बिल्कुल होनी चाहिए। और सच तो ये है कि ये जो विरोध है, चाहे वो बाबरी मस्जिद पे जो जजमेंट आया है, और ये अभी जो क्राउड उभर के आया है, इतनी ज़्यादा बवाल होने की वजह ये है कि इस देश में मुस्लिम जो समाज के जो अनुयायी हैं वो एक वोट बैंक के रूप में इस देश में हैं,
और जो क्राउड वोट बैंक होता है उसके लिए बहुत ही उग्र रूप से उनकी क्राउड तुरंत जो है पॉलिटिक्स में आती है, उभरती है, क्योंकि जो शिक्षा का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है, रेलवे का जो जो बेचा जा रहा है, जितने पीएसयू सेक्टर है, जो देश को जो बेचने का कार्यक्रम चल रहा है, उनके लिए इस देश में क्राउड नहीं है क्योंकि उनका कोई संगठित वोट बैंक नहीं है उन मुद्दों पे। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के सेंटिमेंट को जब छेड़ा जाता है या उनसे वो प्रभावित होते हैं तो वो एक वोट बैंक है इस देश में, और वो वोट बैंक तुरंत इमीडिएट रिएक्ट करती है। और इसके रिएक्ट को जो तुरंत जो बोलने वाले जो मुस्लिम वोट बैंक के जो ठेकेदार हैं सो कॉल्ड सेकुलर, वो लोग तुरंत जो है वो मुखर हो जाते हैं। पहली बार इस देश में ऐसा हो रहा है कि बिना मुस्लिम वोट बैंक के दबाव में भारत सरकार, दिल्ली में सरकार बनती है, वो सरकार रिपीट करती है। और अयोध्या पे जो जजमेंट आया, जाहिर सी बात है हमसे आप व्यक्तिगत पूछेंगे तो अयोध्या में हमारे लिए वो आस्था का मामला नहीं है, वो जो बाबरी मस्जिद गिरा दी गई है वो एक अपराध का मामला है, और अपराध को जिसने जो गिराई जिन्होंने उसे अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, ये हमारी व्यक्तिगत राय है। और जो लोग आस्था का मुद्दा बनाते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, उनसे जाके पूछिए यदि ये आपका आस्था का मुद्दा है तो काशी विश्वनाथ में जो टेम्पल दिख रहा है, जो वॉल दिख रही है मंदिर का, टेम्पल दिख रहा है, जो कुतुब मीनार में जो वो विध्वंस है टेम्पल का, क्या वो आस्था का मुद्दा नहीं बन सकता है? आस्था का मुद्दा आप बनाएंगे तो वो सारी चीज़ें भी आस्था का मुद्दा बन सकती है और बनाया जा सकता है। हमने आज तक कभी किसी मुस्लिम कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल्स को, सो कॉल सेकुलर को, कभी ये पब्लिक मंच पे ये स्वीकार नहीं देखता। एक अभी कोई नजीर जी हैं, उनका मैंने देखा था, उनको छोड़ के आज तक कभी किसी ने नहीं पब्लिक मंच पे देखा कि उसने ये बोला है कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ जो बनारस की जो ज्ञान वापी मस्जिद है वो एक मंदिर के टेम्पल पे, एक विध्वंस पे, मंदिर के विध्वंस पे बनाई गई है। कुतुब मीनार का जो जो आप देख रहे हैं वो भी एक मंदिर का अवशेष है, वहाँ सारे प्रमाण है। हम ये नहीं कहते हैं कि उसको फिर से बनाया जाए, उस पर कोई विवाद हो, उसको आस्था के लेके कोई उन्माद फैलाए, लेकिन मेरा तथाकथित सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल, जो सेकुलर लोग हैं या जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे मेरा अनुरोध है इसे पब्लिक मंच पे स्वीकार करने में क्या जाता है आपको? आप स्वीकार कीजिए, आपकी स्वीकृति आपकी एक ऑनेस्टी को रिफ्लेक्ट करेगी। आपने कभी भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया, आप स्वीकार कीजिए कि हाँ मैं ये स्वीकार करता हूँ कि इस देश के मुस्लिम शासकों ने दर्जनों मंदिर को विध्वंस किया, उस पर अपना मस्जिद बनाया, वो उनका विजय स्तंभ था। उसी तरह से दर्जनों टेम्पल जो है इस देश में बौद्ध मठ को परिवर्तित करके बनाया गया है। अब इस पे फिर से सारी चीज़ें, वो हम ये नहीं कह रहे हैं कि फिर से आप बौद्ध मठ बनाएं या फिर से आप उसको मस्जिद को गिरा के टेम्पल बनाएं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी स्वीकृति होनी चाहिए। यदि बाबरी मस्जिद आस्था का मामला है तो ये सारी चीज़ें भी आस्था का मामला बन सकता है, ये आस्था का नहीं अपराध का मामला है। यदि किसी के धर्म स्थल को यदि जबर कोई बलात् कोई गिरा देता है तो ये आस्था का नहीं अपराध का मामला है हमारी नज़रों में। तो ये मैं बोला था कि पहली बार इस देश में हुआ है कि बिना मुस्लिम वोट बैंक के, बिना उनके दबाव के इस देश में सरकार बन रही है। इस देश में बाबरी मस्जिद पे जजमेंट आया और देश के 370 जो कश्मीर में जो निर्णय लिया गया और जो अभी एनआरसी या कैप के थ्रू जो निर्णय, इतने बड़े निर्णय पहली बार इस देश में बिना मुस्लिम वोट बैंक के दबाव में हो रहा है। और ये मुस्लिम कम्युनिटी या सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो एक धर्म के खाचे में जो लोग जीने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक दहशत है, उनके अंदर बेचैनी है कि उनकी पॉलिटिकल ताकत को, उनकी राजनीतिक शक्ति को बीजेपी की गवर्नमेंट ललकार रही है। और उनके अंदर एक अविश्वास भी है, जैसा बीजेपी या संघ का चरित्र रहा है, जो हमने पास्ट में देखा है, उनका एक अविश्वास है। वो किताब जो आरएसएस को जो आइडियोलॉग हैं उनकी जो बुक लाके रेफरेंस दिया जाता है, हिटलर से जोड़ा जाता है, तो उनको एक भय है। और तो एक अविश्वास और भय या आशंका रहना स्वाभाविक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन एक मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मुस्लिम वोट बैंक का ये शक्ति प्रदर्शन है। और ये शक्ति प्रदर्शन आप देखेंगे उन्हीं भौगोलिक क्षेत्रों में रिफ्लेक्ट हो रहा है जहाँ पे मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, या उस एकेडमिक, उस यूनिवर्सिटी में जहाँ पे सो कॉल सेकुलर या मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स या जो हिंदू के भी जो सो कॉल सेकुलर प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका एकेडमीज में उनका इंटरेस्ट है, सिर्फ ये वहीं पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन नगण्य है या नहीं है, या जहाँ पे जिस एकेडमिक्स में इनका इन्फ्लुएंस नहीं है वहाँ पे कोई भी रिवोल्ट नहीं हो रहा है।
और इस उत्तर प्रदेश में तो लोग समाजवादी पार्टी के लोग इलाहाबाद में, समाजवादी पार्टी के यादव लड़के इलाहाबाद में टोपी पहन पहन के प्रदर्शन कर रहे हैं, वो धार्मिक प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनके साथ जो है, इनके जो समीकरण की जो राजनीति है, ये लोग इनका साथ दे रहे हैं, और ये साथ ये बिहार में भी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी दे रहे हैं। और यदि ये इस तरह के इनके, ठीक है, आपका आपके क्राउड का कैरेक्टर कैसा है? आपने देखा था अन्ना आंदोलन, अन्ना आंदोलन में कई तरह के लोग शामिल थे। उसमें वो लोग थे जो ऑनेस्टली भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, उसमें वो लोग थे जो रिजर्वेशन के खिलाफ थे, उसमें वो लोग जो संघ के लोग थे जो हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व की बात करते थे, वो एक मिक्स्ड क्राउड था। इस क्राउड में भी मिक्स्ड है, इसमें वो भी लोग हैं जो सिमी के समर्थक हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो बोलते हैं कि इस्लाम लाओ देश बचाओ, इसमें वो भी लोग हैं जो आपने मुंबई में कौन सा एक जिनको सजा हुई थी और उनके जनाजे में जो लाखों भीड़ उभरी थी दाढ़ी टोपी की, तो इसमें ये सारे, इसमें प्रोग्रेसिव लोग भी हैं, इसमें सो कॉल सेकुलर लोग भी हैं, इसमें समाजवादी पार्टी के जातीय समर्थक भी हैं, तो इस क्राउड का भी मिक्स्ड भीड़ है ये, और इस क्राउड की विवेचना होनी बहुत जरूरी है। जहां तक मैं बार बार बोल रहा हूं, संगठित संस्थागत धर्म इस देश का सबसे बड़ा शत्रु है। जो भी इस देश में धर्म को संगठित और ऑर्गेनाइज तरीके से चलाने का प्रयास करेगा, उसकी आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाएगा, वो देश में समस्या बढ़ती जाएगी। आप देख रहे हैं कि गुरु नानक ने कोई भी संगठित संस्थागत धर्म नहीं बनाया था, बाद में वो जो है संगठित संस्थागत धर्म का रूप लिया। तो सिख अपनी आइडेंटिटी के लिए वो रिवोल्ट कर रही है। हम पूरे सिख कम्युनिटी को जिम्मेवार नहीं मानते हैं, बट उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो खालसा या खालिस्तान बनाने का प्रयास कर रही है, और अभी भी ये कनाडा में बैठे लोग हैं, और वो सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट और उनका जो कश्मीर में इंटरेस्ट है उनको वो सपोर्ट करते हैं, वो जो मुस्लिम कट्टरपंथ है उसको सपोर्ट करते हैं। ये जो बहुजन, जो ये मूल निवासी टाइप के जो आंदोलन है, ये लोग भी देश के इंटरेस्ट को, कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाके ये लोग भी मिले हुए हैं उन सारे लोगों से। साल 2 साल पहले की बात है कि मैं इस मूल निवासी का कोई प्रोटेस्ट था पंजाब में, उस प्रोटेस्ट में मैंने जय खालिस्तान के नारे लगते हुए मैंने सुने हैं, ऐसे वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे वायरल होते देखा है। ठीक है, तो ये सारे संगठित संस्थागत धर्म की वजह से ये सारी समस्याएं इस देश में है, और भारत कभी से भी संगठित संस्थागत धर्म नहीं रहा था। इस देश में जो हिंदू आबादी है वही कभी सिख बन जाती है, सिख तो चलिए वो तो हमारा इंटीग्रल पार्ट था, ठीक है, वो जो ईसाई बन जाती है वही मुस्लिम बन जाती है। जब आप केरल में जाएंगे तो आप किसी टी स्टॉल पे देखेंगे जो चाय बेचने वाले लोग होते हैं, या किसी ऑटो में बैठिए, वहाँ पे ईसा मसीह भी होते हैं, काली भी होते हैं, अयप्पा भी होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस किस धर्म के लोग हैं। उनको जिनसे स्नेह मिला, जो अच्छा लगा, जिस पॉजिटिविटी के साथ जो चीज़ आप उसे देंगे, वो सारी चीज़ें वो स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भारत का, भारत भूमि जो है वो कभी भी संगठित संस्थागत धर्म का पार्ट नहीं है। और केरल में मैंने खुद, मैं जिन स्कूलों में मैं क्लास लेता था, मैंने देखा है कि वहाँ पर वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस सारे काम स्कूलों में करते हैं। क्या किसी यदि स्कूल में, यदि हनुमान चालीसा या RSS के यदि उस धार्मिक चीज़ें करते हैं तो आप उसका क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो इन चीजों का आप क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते हैं? यदि JNU में कोई आदमी यदि जनेऊ पहन के और चोटी लगा के यदि धोती पहन के घूमता पाया जाएगा, और ऐसे 2-4 लड़के एक जगह आपको दिखाई देंगे, तो वो ऑर्थोडॉक्स है, वो आप मजाक बनाएंगे। लेकिन वही JNU में बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा और डारी टोपी लेके घूमा जाएगा तो वो प्रोग्रेसिव और सेकुलर है, वो सहानुभूति का पात्र है। क्या बात इससे, देखिए ये सारा मामला, कोई ऐसे ब्राह्मण हो सकते हैं जो जनेऊ पहनते हैं, दाढ़ी उनका चोटी लगाते हैं, और एक मानवीय स्तर पे, नैतिकता के स्तर पे या मॉरलिटी के स्तर पे वो बहुत ही उनका हाई, उच्च लेवल का उनका नैतिकता का स्तर रहा हो, वो व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे आदमी हो सकते हैं। उसी तरह से जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग
जो दाढ़ी रखते हैं या टोपी पहनते हैं, बड़े भाई का पाजामा और बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पाजामा, इस तरह की जो वेशभूषा है, हो सकता है व्यक्तिगत तौर पे वो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, उनके नैतिकता का मापदंड उनका बहुत उच्च स्तर का हो और उनके अंदर मानवीय भावनाएं हो। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं क्योंकि वेशभूषा से ये सारी चीजें डिसाइड नहीं होती है। मैं सिर्फ उनके ऐसे समझ पे प्रश्न कर रहा हूं, क्या ये जो इनकी वेशभूषा है वो जो इनका जो ड्रेसिंग सेंस है, वो ड्रेसिंग सेंस उनका क्या शौकिया है? क्या वो स्टाइल में ऐसा करते हैं? नहीं। यदि आप यदि ये तर्क देते हैं कि ये जो है ये फंडामेंटल राइट है, कौन आदमी क्या पहनेगा क्या खाएगा ये फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन जब आप इसे शौक के तौर पे करते हैं, जब इसे आप स्टाइल के तौर पे करते हैं, लेकिन जब आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप एक धर्म के प्रभाव में प्रबल समझ के कारण ऐसा कर रहे हैं, तो ये आप मौलिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। धर्म के समझ की जो आपकी प्रबलता आपके दिमाग में बैठी है उसको आप प्रैक्टिस में ला रहे हैं। चलिए, मैं ये भी मानता हूँ, मैंने बहुत ऐसे मुस्लिम फैमिली को देखा है जो दिल्ली में साउथ दिल्ली कुतुब मीनार के इलाके से लेके हैदराबाद के इलाके से लेके, मैं पूरे देश में केरल में बहुत सारी ऐसी मुस्लिम फैमिली को देखा हूँ जो बहुत ही सिविलाइज्ड हैं, उनके बच्चे बहुत ही उनके अंदर बहुत ही अच्छा संस्कार और बहुत ही तहजीब है और वो उस ड्रेस में रहते हैं, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, और उसमें से मोस्ट ऑफ द फैमिली जो है वो अरब से या दूसरे कंट्री से आई है और वो अपने कल्चर को, आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखे हैं। चलिए, ये भी मैंने मान लिया, लेकिन जो इस देश में जिन्होंने जो इस देश के लोग थे जिन्होंने इस्लाम को एक पंथ के रूप में स्वीकार किया, और उन्हें कब उनके पता ही नहीं चला कि कब वो मुस्लिम बने कब वो हिंदू थे। जब आप कबीर की बात करते हैं तो कबीर का वो इंडिटर्मिनेंट है, मैथमेटिक्स में उसे इंडिटर्मिनेंट बोला जाता है, मतलब आप उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। तो जब ये सारी जो हमारी जो भारत की जो मूल आबादी, जिसे बहुजन आंदोलन मूल निवासी कहते हैं, ये जब दाढ़ी टोपी बुरका पहन के जब घूमती है और ये जो क्राउड बना रही है, ये क्यों कर रही है? ये क्या इनकी संस्कृति है? यदि मोहम्मद साहब ने नैतिकता के उच्च मापदंड को स्थापित किया है, तो उच्च मापदंड में ये बुरखा और बड़े भाई का पाजामा और छोटे भाई का कुर्ता, दाढ़ी टोपी कहाँ से आ जाता है? और यदि आती है तो इनके समझ पे प्रश्न क्यों नहीं उठता है? जब जनेऊ लीला की जनेऊ लीला के समझ पे, चलिए जनेऊ लीला वो एक इंटेंशन है, लेकिन जब आप कितने सारे आप लोगों ने मजाक बनाए हैं, जनेऊ पहनते हो ये करते हो, आपको किसी ने ब्राह्मणों ने नहीं बोला कि जाके तुम जनेऊ पहनो, लेकिन आपने उनका मजाक बनाया है ना, उनके समझ पे प्रश्न किया है ना, तो इस समझ पे आप प्रश्न क्यों नहीं करते हैं? और ये जब समझ पे प्रश्न नहीं करते हैं, सारा मामला देखिए, किसी भी कम्युनिटी का जो पूरा समूह होता है वो भी एक इंसान है, उनके अंदर भी भावनाएं वैसी है जैसे हमारे अंदर भावनाएं हैं, तो वो एक इंसानी तौर पे वो वैसी, उनके अंदर भी सारे इमोशंस हैं, तो वो उस तरह से उनके, फिर ये प्रॉब्लम कहाँ पे है? जब पूरे उस सामाजिक समूह का जब सारी समझ एक ही तरह हो जाएगी, वो धर्म से प्रबल समझ से शिकार रहेंगे, तो फिर उनके अंदर वो समस्या वहां पे खड़ी होगी ना, जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे और इस तरह का ओवैसी जैसे नेता पैदा होंगे और वो मुस्लिम सेंटिमेंट को भड़काएंगे, तो वो क्राउड क्या करेगा? फिर वो क्राउड वही करेगा ना, वो ट्रेन जलाएगा, वो ट्रेन शीशे फोड़ेगा, वो आग लगाएगा, और वो ये आप देख रहे हैं कि मैंने एक अभी तस्वीर अपलोड की थी, जो वो जो एक ज्योति थी, जवान ज्योति, उस पे वो अपने जूते से वो हमला कर रहे हैं, वो दाढ़ी टोपी पहने हुए, ऐसे ही लोग करेंगे। एक बार इसी क्राउड ने पाकिस्तान बनाया है ना, और भारत की जनता इस बात को आप कैसे स्वीकार कर लेगी कि एक बार आपने पाकिस्तान ले लिया है इस धरती से, फिर आप वो क्राउड का निर्माण करेंगे, वो क्राउड कहां पे जाएगा? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में यदि योगी जो है धार्मिक ड्रेस में आके वो पॉलिटिक्स कर रहा है, तो उस पर हम प्रश्न करते हैं ना? तो जो ओवैसी है, जो अपना धार्मिक ड्रेसिंग सेंस में आते हैं और वो धार्मिक अपनी आइडेंटिटी से पॉलिटिक्स करते हैं, तो उस पर प्रश्न होना चाहिए ना? क्या इस देश में कोई मुस्लिम लीडर का एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता है? क्या वो लीडर नहीं बन सकता है? क्या उसे राजनीति करने के लिए समीकरण साधना होगा, पिछलग्गू बनना होगा, और वो समीकरण साधेंगे तो वो किसका दुश्मन है? यदि समीकरण से पॉलिटिक्स होगी, यदि MY समीकरण से पॉलिटिक्स होगी, और पॉलिटिक्स यदि लीडर, यदि अखिलेश यादव जैसा मंद बुद्धि का आदमी यदि लीडरशिप करेगा ड्यू टू MY समीकरण, तो हम ऐसे पॉलिटिक्स को होने क्यों देंगे? और यदि ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है तो हम उसे जिंदा क्यों रहने देंगे? लीडरशिप करने का हमारा भी राइट उतना ही है।
हमारा नहीं, मुस्लिम यूथ को भी राइट उतना ही है। आप मुस्लिम कम्युनिटी से आप लीडरशिप को खराब कीजिए, धार्मिक आइडेंटिटी को आप छोड़ दीजिए। और जब इस देश में शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, इतने इरफान खान, इतने सारे जब एक्टर्स हैं, उसे लोग चाहते हैं, उसकी उनकी तस्वीरें दीवारों पर लगाते हैं तो, और उनके लोग तालियां बजाते हैं, उनको एक अच्छा एक्टर मानते हैं, उसका एक्सेप्टेंस है, तो क्या लीडरशिप का एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता है? क्या आपने ये कभी प्रयास किया है? एक बार प्रयास करके तो देखिए आप। इसलिए ये बोल रहा हूं कि अब ये जो एम वाई समीकरण या इस तरह की जितनी समीकरण है, ऐसी ये जो पूरा जो बहुजन टोली गैंग है, ये सारी की सारी ये जो है कास्टिस्ट है। मैं बता देता हूं, ये जितने जो रावण के साथ जो पूरा क्राउड है ना, वो पूरा का पूरा क्राउड जो है जाति समझ की रखने वाला क्राउड है। और इस बहुजन टोली में या चमार कम्युनिटी को छोड़ के इसका लीडरशिप कोई और करके दिखा दे, मैं आपको बताता हूं। इनको पता है कि कहां पे ताली बजाना है, इनको पता है कि कहां पे जो है किसका समर्थन करना और किनको इग्नोर करना है। इसी एम वाई समीकरण में मैं इस क्राउड के 10 साल से चरित्र देख रहा हूं। ये जेएनयू की जो टोली है, पहले इन्होंने एक एआईबीएसएफ हुआ करता था, पहले इन्होंने जितेंद्र यादव को हीरो बनाने का बहुत प्रयास किया, वो फेल्ड हो गए। फिर वो क्या, दिलीप यादव को इन्होंने बहुत प्रयास किया, वो फेल्ड हो गए। फिर इन्होंने जयंत को प्रयास किया, फेल्ड हो गए। ये अब ये ढूंढ ढूंढ के, या फिर एक इलाहाबाद की कोई लड़की थी अखिलेश यादव के पार्टी की, झंडा ढोने वाली, उसको योगी को झंडा दिखा, उसको इन्होंने पूरा एक क्रांतिकारी बताया। इन्होंने लगातार ये प्रयास कर ले कि कोई यादव, मतलब जब तक अखिलेश यादव है तब तक ठीक है, और इसको हटाओ तो कोई दूसरा यादव लाओ और फिर वो लीडरशिप करेगा। ये ढूंढ रहे बेचारे, इतनी कोशिश करते हैं, पूरा इनका व्हाट्सएप पे इनका ऑर्गेनाइज्ड इनका नेक्सस चलता है। और ये मैं इनके पूरे पैटर्न को ऑब्जर्व कर लूंगा, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, समय आने दीजिए, और मैं सारी चीजें बताऊंगा इसके पैटर्न को, ये किस तरीके से करना, और मैं सारा इनका तथ्य और प्रमाण दूंगा, इनका चरित्र किया है। तो यही आप लोगों से कहना था कि इस देश में मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को एक मुस्लिम की तरह नहीं, एक एक लीडर की तरह व्यवहार करना चाहिए। उस वो अपने धार्मिक प्रबल की समस्ता से बाहर आए और पूरे समाज का लीडर बने, और इस देश, ये देश स्वीकार करेगा। अमित शाह अल्पसंख्यक है इस देश में, अबुल कलाम आजाद को क्या प्यार नहीं मिला? लोग उन्हें सम्मान नहीं देते हैं क्या? उनका रिस्पेक्ट नहीं है क्या? उनका ये संघी या जो हिंदुत्व के नाम पे जो लुच्चे लफंगे हैं, क्या उनका आदर नहीं करते हैं? इन प्रश्नों का क्या जवाब है आपके पास? तो इसलिए अब यही हमें इतना ही कहना था। कुछ बातें छूट गई हो, कुछ यदि गलतियां हो गई हो, तो आप जरूर लिखिएगा, मैं उस पर विचार करूंगा, और फिर फेसबुक पे फिर अपनी बात रख के लाइव आऊंगा। धन्यवाद।